ओम एस्ट्रो चैनल आपका स्वागत करता है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं ऑथर्स हैंड्स, राइटर्स हैंड और डायरेक्टर्स हैंड। उसके हाथ में क्या साइंस और लाइंस होती हैं जिसके द्वारा कोई राइटर डायरेक्टर बनता है। सबसे पहले हम उसका पाम देखते हैं। आमतौर पर जितने राइटर्स मैंने देखे हैं उनका बैटरी हैंड होता है। बैटरी हैंड वो होता है जब आपकी रिंग फिंगर बड़ी है आपके हथेली से और आपका हाथ आयताकार है। इस हाथ की लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई से, इसे हम बैटरी हैंड कहते हैं। बैटरी हैंड हो और साथ में आपके फिंगर जो हैं वो कॉनिकल्स जब नुकीली होनी चाहिए, ऐसे जातक बहुत ही इनोवेटिव इमेजिनरी को नया नया करने वाले होते हैं। इसके साथ ही हमें इसका कलर भी देखना है चाहिए। कलर इसका गुलाबी रंग होना चाहिए। जब हम राइटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हेडलाइन जो है हमारे ब्रेन मेमोरी को इंडिकेट करती है। जो वीनस है हमारे अंदर आर्टिस्टिक करेक्टर को इंडिकेट करता है। सन हमें फेम की ओर इंडिकेट करता है। जुपिटर भी फेम की ओर दिलाता है। चंद्रमा ये हमारा माइंड है, इसलिए हमें सनलाइन, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र इन सब का भी कंसिडर करना है। सबसे पहले हम हेडलाइन से ही शुरू करते हैं। हेडलाइन जो है हमारे माइंड मेमोरी को इंडिकेट करता है। ये हेडलाइन यदि ये रेखा सीधी जा रही है तो ऐसे जातकों में इंट्यूशंस इमेजिनेशंस कम होती हैं। यदि ये रेखा जहां से शुरू हुई फिर ये डाउन इधर तक कर चंद्राकार बन रही है तो ये एक श्रेष्ठ राइटर के लिए रेखा होती है। ऐसे जातक बहुत इमेजिनरी कल्पनाशील या इनमें बहुत इंट्यूशंस होती हैं। मैंने बहुत सारे राइटर्स डायरेक्टर्स के हाथ में इस तरह की हेडलाइन देखी है। जहाँ हेडलाइन ये यदि दो शाखी है तो ये भी राइटर्स डायरेक्टर्स के हाथ को इंडिकेट करती है। इसके बाद हम शुक्र पर्वत हमारे अंदर जो आर्ट है उसको इंडिकेट करते हैं। शुक्र पर्वत अपना एरिया लिए हुए होना चाहिए। आपकी लाइफ लाइन पूरे आपके मणिबंध तक होनी चाहिए। आपके शुक्र पर्वत में वर्टिकल लाइन जो है जी आपकी प्रोग्रेस जी आपके फेम को इंडिकेट करती है। इसके अलावा जहाँ पर ट्रायंगल का बनना भी शुभ माना गया है, जी आदमी को फेम और आर्टिस्टिक बनाता है। इसके बाद हम सन लाइन इस तरह की स्ट्रेट लाइन, इसमें यदि आपका ट्रायंगल्स हार्ट लाइन के साथ बन रहा है या माइंड लाइन में है तक है तो जहां पर बन रहा है ट्रायंगल ये होना बहुत शुभ है। ऐसे जातकों को इंटरनेशनल फेम मिलती है। कई बार मैंने डबल ट्रायंगल भी देखी है तो ये भी आदमी को इंटरनेशनल फेम दिलाती है। इसके अलावा फ्लैग फ्लैग कुछ इस तरह का चिन्ह बनता है। फ्लैग झंडे का चिन्ह भी आदमी को इंटरनेशनल फेम दिलाता है। डबल सनलाइन, एक सनलाइन इधर और एक इधर, ये भी आदमी को इंटरनेशनल फेम दिलाती है। अब हम लक लाइन की बात करते हैं या फेट लाइन। ये फेट लाइन इधर चल गई आपके सैचुरन माउंट तक सीधे, ये भी हमें सक्सेस की ओर इंडिकेट करते हैं। ऐसे जातक भी बहुत ही इनोवेटिव होती है। यदि इसकी ब्रांच एक जुपिटर माउंट को जाती है, ये जातक भी लिटरेचर की ओर अग्रसर होते हैं और राइटर ऑथर डायरेक्टर बनते हैं। यदि इसकी एक रेखा फेट लाइन से एक रेखा सन लाइन को जाती है तो अत्यधिक फेमस होते हैं ऐसे जातक। इसके अलावा हमने मून का पर्वत देखना है, ये भी प्रॉपर विकसित होना चाहिए। इसमें ट्रायंगल का साइन काफी शुभ होता है।
यदि आपके मून एरिया में ट्रायंगल का साइन है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर इंट्यूशन से कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। यदि आपके अंदर एक रेखा मून पर्वत से बुध की ओर जा रही है, या मून चंद्र पर्वत से ये सूर्य पर्वत को जा रही है, तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपको एक फेम मिलेगी, आप इंटरनेशनल फेमस भी हो सकते हैं। यदि आपके हाथ में एक या दो तीन चिन्ह सिंबल्स ऐसे हैं तो आप अपने काम में लग जाएं, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस सफलता पाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील होना पड़ेगा, ऐसे सफलता कभी नहीं मिलती। सफल होने के लिए आदमी को कर्मठ होना पड़ता है। यदि आप कर्मठ होंगे, कर्म करेंगे, आपको 101% सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।